आशुतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हसुआ के विवाह में खुरपा का गीत मत गाइएगा, इनको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने। ईमान कहाँ हमारी है, हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। देखिए जो विरोधी लोग हैं वो तो यही कहे कहेंगे, उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं, वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी आज महिला दिवस और होली मिलन समारोह मना रहे थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि कितने सीट और कब सीट शेयरिंग पे बात हो पाएगी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके इस बयान को सुनिए। देखिए पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हसुआ के विवाह में खुरपा का गीत मत गाइएगा, इनको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पास, ये मांग कहाँ हमारी है, हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था, तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं, क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समुचे देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल, और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे, और बिहार में 40 के 40 लोग सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे। यहाँ पर एक नया कानून जो पहले से मोदी सरकार कहती थी ये लागू करने का अधिसूचना जारी कर दिया है, इसको किस तरह देखते हैं? इसका हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ये कि स्पष्ट किया गया है, आप लोग देखे होंगे कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, मुसलमान जात के छोड़ करके, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़ करके, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है, उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो और लोग हैं, जो वहाँ दमन के शिकार होते हैं और हिंदुस्तान में चले आते हैं, तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। वो कहाँ रहेंगे, विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन देश के नागरिक हैं, तो उतना बड़ा समूह को हम लोग उसको देंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि बदलने की काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए जो विरोधी लोग हैं वो तो यही कहे कहेंगे, उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं, वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ था, वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पर रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे कि आप लोग मीटिंग के लोगों को कहते थे कि आप लोग समझ जाइए, मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा। और आज धन्यवाद देते हैं कि जब स्थिति आ रही थी तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम करके वो स्थिति को दरकिनार कर अब इस सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी शीर्ष नेता करेंगे उसको हम सब मानेंगे। तो आपने सुना जीतन राम मांझी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 तारीख तक आप लोग इत्मीनान रहिए, 15 तारीख के बाद फैसला हो जाएगा कि किसे कितना सीट मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री पद की भी मांग नहीं की है, यानी बिहार में जब सरकार बनी थी एनडीए के, उस दौरान जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन अब उस बात से पीछे हटते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मांग नहीं की है,
मैंने तो मुख्यमंत्री बनने की भी इच्छा जाहिर नहीं की थी, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इत्मीनान रहिए, जो एनडीए फैसला लेगी मैं उसके साथ ही रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।